हमको ये पता नहीं है, लेकिन आप लोग ऐसा बोल रहे हैं और उस पर अगर इलेक्शन कमीशन ने अगर ऐसा कुछ सबूत लिया है तो उनके वक्तव्य को हम लोगों को भी देखना होगा। और हम समझते हैं कि योगी आदित्यनाथ तो निश्चित रूप में भड़काऊ भाषण देते हैं और उससे देश में समाज में बिखराव की बात आती है। रही बात महान मायावती जी का, तो मायावती जी की बात को हमने नहीं सुनी है और अगर उन पर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध है तो उसको हम लोग देखेंगे। देखने को ग्रांत ही हम प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के बारे में हम लोग जानते हैं कि शुरू से ही भड़काऊ बात, सामाजिक भावना का बात उठाते हैं। उनको विकास से या सामाजिक व्यवस्था से कोई मतलब है नहीं, वो एक और एक है NDA में, खास करके नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रमुख चिन्हों पर चलने वालों में से, इसलिए वो कुछ इस तरह की बात बोलते होंगे। अगर उन पर रोक लगाया है, प्रतिबंध किया है, तो हम समझते हैं कुछ उनका व्यक्तिगत मामला है, हो सकता है जान का खतरा हो, वो कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो और देश के जाने माने नेता नीचे हैं, तो वैसी परिस्थिति में समाजवाद के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में जो बोलता है उसको तो जरूर खतरा है। वैसे ही उसे सांप्रदायिकता फैलाता है, राष्ट्रीयता का झूठा स्वांग रचता है, विकास का काम न करके सेंटिमेंटल बात यानी कि धर्म जात और अलग अलग बात करके देश को भरमाता है। वैसे आदमी से खतरा जरूर हो सकता है, ऐसी परिस्थिति में अगर सही आदमी होते हैं तो उसके पीछे कुछ तर्क होगा और उनका निजी मामला है। ऐसे हमारी बातें उनसे नहीं हुई है और आदमियों का सूचना मिली उसके आधार पर हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने आशंका व्यक्त किया है तो कोई गलत नहीं है। महागठबंधन बड़ी पार्टी है और लोग हैं वहाँ पर, अगर इनको सीट पर फ्रेंडली फुटबॉल हो जाए तो उसको कोई अन्यथा नहीं लिया जाएगा। चुनाव जीतने के बाद सब महागठबंधन का एक ही उद्देश्य रहेगा कि NDA को किसी न किसी रूप में हम लोग आगे नहीं आने दें। ऐसी परिस्थिति में अगर वो रहते हैं तो बिहार का मामला हो या झारखंड का मामला हो, दो चार सीटों पर फ्रेंडली फुटबॉल हो सकता है, इसको महागठबंधन की कमजोरी नहीं कहा जा सकता।